नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्साह से सराबोर कांग्रेस पार्टी अब पूरी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाती नजर आ रही है। चाहे लोकसभा सदन की बात हो या उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता, लगातार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है। वहीं बीते समय राजधानी लखनऊ में छात्रा पर हुए एसिड अटैक को लेकर कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कानून व्यवस्था पर विफल बताया। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शिरोज कैफे पहुंचकर एसिड पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंचे थे। वहीं शिरोज कैफे गोमती नगर में है, जो कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं द्वारा संचालित है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सी न्यूज भारत पर बोलते हुए कहा कि योगी सरकार कानून के नाम पर दिखावा करती है, जबकि राजधानी ही सुरक्षित नहीं है। उद्देश्य केवल एक ही है, ये ऐसा स्थान है जिसको एसिड अटैक हमारी बच्चियां चलाती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक बच्ची के ऊपर यहाँ पर एसिड फेंका गया, वो बच्ची नीट के एग्ज़ाम्स में वो उसने क्वालिफाई किया था, और वो उस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से सरकार में अत्याचार अन्याय बढ़ा है लड़कियों पर, तो आज उनके हम सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। हमारी महिला विंग ने आज जाकर हॉस्पिटल में उस परिवार से हालचाल लिया, मिले, और हम सब लोग यहाँ आए हैं। निश्चित तौर से ऐसे बच्चियों का मनोबल न गिरे, इनका मनोबल न टूटे, उनके परिवार का, इस नाते हम लोग आए हैं कि उस परिवार को ताकत मिले। जितने भी एसिड अटैक की बच्चियां हैं उनको और उनके परिवार को ताकत मिले, संबल मिले, इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज ये सिरोज के अंदर आकर बैठी। निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। सरकार पूरी तरीके से ये मैं जो करना चाहिए कानून व्यवस्था, लचर है, जंगल राज कायम है। आपको लगता है कि यहाँ पर पूरी वो जानकारी की पहुँच थी, जो यहाँ पर कार्रवाई तुरंत हो गई है, और यहाँ पर सामान्य कोई कुछ जगह होती, सामान्य परिवार होती, तो कार्रवाई उतनी जल्दी नहीं हो पाती, मानते हैं इस बात? देखिए, ये लखनऊ में भी मुझे लगता है कि ये समय लगा। अगर आप देख सकते हैं कि सरकार में इतनी हनक है, सरकार में कि अगर इतनी एक मैं कहूँ कानून व्यवस्था का अगर एक एक, एक उनके जलजला होता तो इस तरह की कार्रवाई किसी की हिम्मत नहीं होती कि बच्चियों के ऊपर एसिड अटैक करेगा, उसको परेशान करेगा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।